अपनी औकात है तो तुम्हारी अपनी लेके दिखाओ। मुझसे उल्टा दहेज मांग रहे थे वो बहनचोद। अरे वसीम दहेज भी क्यों ना मांगे, क्वालिटी तो नहीं दिखा। चैनल कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ राउंड टू हेल की एक वीडियो पे। राउंड टू हेल की कोई नई वीडियो नहीं आई है। एक्चुअली बात यह है कि आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि राउंड टू हेल की वीडियो पे मैम क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया राउंड टू हेल की वीडियो अभी तक नहीं आई। आई थिंक मुझे लगता है 3-4 महीनों से उन्होंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की है, नई वीडियो आई ही नहीं है, तो इसलिए मैंने रिएक्शन नहीं बनाया है। और उनके पुराने वीडियोस पे मैंने कई सारे वीडियोस पे रिएक्शन बनाए हुए हैं, लेकिन नए वीडियो पे मैं चाहती थी बनाना, बट आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप उनके किसी भी वीडियो पे रिएक्ट करिए। राउंड टू हेल की वीडियोस बहुत टाइम हो गए, मैं चैनल पे एक भी वीडियोस नहीं आई है बहुत टाइम से, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं उनके किसी पुराने वीडियो पे रिएक्ट करूं। तो आज मैं उनके द टाइटल क्या है, देसी वेडिंग रिवेंज गॉन रॉन्ग पे मैं रिएक्ट करने वाली हूँ आज। तो आज की वीडियो में हम उनकी ये वीडियो देखेंगे और उसके बाद मेरा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा कि कैसा है मेरा रिएक्शन इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, उसके बाद सारी बातें करूंगी मैं लास्ट में। वीडियो के लास्ट में मैं सारी चीजें बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को जरूर से दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके मेरी सारी वीडियो से और आप कोई भी वीडियो मेरी मिस ना करो। अगर आप मुझे देखना पसंद करते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, मेरे ब्लॉग चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर वहां से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो पुजारी ब्लॉग्स, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सारी बातें करेंगे। सो लेट्स रोल इट आउट। देसी वेडिंग रिवेंज गॉन रॉन्ग, क्या हो गया ये? 2 days ago, 2 दिन पहले क्या हुआ? क्या रिया भाई तेरे रिश्ते का हो जाएगी ना तेरी शादी इस जन्म में? इस जन्म में? अबे दहेज मांगते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बाप तुम्हें अपनी लड़की देता है उसके ऊपर से तुम दहेज मांगते हो? ये साले दहेज में गाड़ियां मांगते हैं और उनसे आग मूंदते हैं फिर। अबे इतनी औकात है तो तुम्हारी अपनी लेके दिखाओ। मुझसे उल्टा दहेज मांग रहे थे वो बहनचोद। अरे भाई दहेज भी क्यों ना मांगे, क्वालिटी तो मेरी खराब है इसकी। हे भगवान, एक लड़का इतनी बेहतरीन तरीके से सिगरेट पी रहा, तू नहीं पी सकता? अबे वो क्या पी रही होगा, मैं पी के दे छोटे सिगरेट। यार मजा नहीं आया ना जिम, मैं कह रही हूँ उसका अलग ही स्टाइल था। अरे मेरे कद्दू का स्टाइल है उसका, तू बता सिगरेट किधर से पीता है? यार जिधर से सब पीते हैं फिल्टर की तरफ से, मैं फिल्टर की तरफ से जलाता हूँ। मगर बस इस लड़के ने 4 छल्ले बनाए मेरे सामने। ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक में हमें 5 छल्ले, मैंने 9 बनाए। मतलब 5 छल्ले ओलंपिक वाले रिक्वेस्ट करके ले गए मुझसे, और बाकी के बचे 4? बाकी के 4 तेरे बाप ने दिए ओडी वालों को। वसीम लोंडे में टैलेंट तो है, जा सकता है इंडियाज गॉट टैलेंट में, लेकिन उस लड़के ने नाक में से धुआं निकाला था, ये नहीं निकाल सकता। नाक से? मैं नाक से पी लेता हूँ मैं। मैं नहीं पी लेता, नाक से पी लेता। अरे जैन टैलेंट तो इस कदर है ऊपर वाले की रहमत से, घमंड नहीं करा कभी, 10 सिगरेट पीनी थी दिन में, 20 पी रहे हूँ आजकल बस। वह ये टैलेंट तेरे अंदर। अरे पापा, अंकल अंकल मार क्यों रहे हो? अरे 20 पिएगा छल्ले नागा छल्ले। अरे अंकल क्यों मार रहे हो, एक ही तो पिया आज बंद ने डिब्बी निपटा दिया पूरी। अरे अंकल मारे मार। अरे बाप रे, उसके पापा ने मैं तभी सोच रही थी पीछे से कौन है यार ये। अरे एक बार में, अबे इसे छोड़ जल्द से जल्द। अंकल जग लो बताने की जरूरत नहीं है, घर पे बाल्टी रखी हुई है, भर भर के मारूंगा। भैया बड़ा मारा रे। अबे एक बाल्टी भर के तो मारा, इतना थोड़ी मारा। एक बाल्टी भर के? अरे बाल्टी खत्म होने के बाद टंकी चला के मारा, पूरी रात टंकी चलाई है। ये चेंज है की कारस्तानी है, उसकी वजह से बैठा हूँ मैं। मेरे पास एक प्लान है। क्या था? टंकी भर भर के मारी है। हेलो हाँ जैन साहबी, वो तेरा रिश्ता ना होता ना रंड में तो मैं, वो तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, तू 1 घंटे के अंदर तैयार मिल, माँ बाप आ रहे हैं लड़की के। बहू इतना उतला बुला क्यों रही है? अरे कहाँगे रिश्ते वाले, मुझसे बर्दाश्त ना हो रही यार। जब हम जाएंगे जब तो आएंगे, जब हम जाएंगे तभी तो आएंगे। लड़के से अकेला मिलना चाहती है वो तो, मुझसे अकेला मिलो, निकलो यहाँ से। गांडू सही है, दफा हो जल्दी आ जाओ यार। ये है अपने दमाद, जीत रहो बेटा जीत। ये वाली टाइल्स किन्ने तोड़ी है? ये नमस्कार। हाँ क्या कर रहा है तू?
हाँ अंकल, वो आपने शोरूम देखा है नेक्सा का? हाँ लल्ला देखा है। जी सर, मैं उसमें मैनेजर की पोस्ट में हूँ। उसका मैनेजर तो मैं हूँ। अरे अंकल वो बात सही है आपकी, उससे आगे वाला जो है मैं उसका हूँ। अरे उसका मैनेजर तो मेरा लौंडा है। अरे अंकल वो भी आपका, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो उन दोनों शोरूम के बीच में है। वो शोरूम? अरे बेटी चौध, अरे उसकी मैनेजर मेरी बहू है। अरे अंकल मेरी पूरी बात तो सुन लो, उन दोनों शोरूम के बीच वाले शोरूम के सामने जो छोले भटूरों का ठेला ना, वो मेरा ही है। खासे भगवान, छोले भटूरों का ठेला है। आप क्या अंदाजा लगाएंगे, मैं इस देश में चलने वाले सबसे बड़े कंटेस्ट में कल ही जीता हूँ। कौन सा कॉन्टेस्ट जीता अभी तू? अरे सर वो फेसबुक डीपी कंटेस्ट सर, मेरी आरिफ के लौंडे से सीधी टक्कर थी। फेसबुक चॉकलेटी बॉय उर्फ हार्ट स्टीलर कलुआ ऐसी कुछ करके नाम था। मेरा ऑप्शन था ए, उसका ऑप्शन था बी। सर कुछ देर ए चले। अरे अजी देख रहे हो कितने नेक काम है इसके, डीपी कॉन्टेस्ट जीता, मुझे यही लड़का चाहिए अपनी लड़की। अरे मेरी आइटम को पसंद तो मुझे पसंद। कामों ने मेरा दिल छीन लिया। कल बारा चाहिए मुझे चौखट पे, सही है ना? आओ आइटम आओ, ज्यादा इमोशनल हो रही हो तुम। एक अकेले, कुछ गोड़ी वोड़ी भी नहीं है, अकेले ही बारात लेके जा रहा है दो दोस्त के साथ। मैं माइकल जैक्सन, क्या आज रिकॉर्ड तोड़ देगा? इंतजाम कहाँ है मेरा? अरे यार वो घोड़ी तो घोड़े के साथ भाग गई, तो मैं काहे पे बैठूंगा? एक इंतजाम है भाई, चलना तो स्कूटी पे। साले हाया भूसा भी के लिए आया, पता ही नहीं आता इससे बढ़िया। और यहाँ कोई है? मैं स्मार्ट तो लग रही हूँ वैसे इस पर। नजर ना लगे टीका ला। ये तो नाच रहे रे वसीम, मजा नहीं आ रही है मुझे यार। यो घोड़ी के आगे से बच्चा बैठे होता ना, यहाँ बैठाना चाहिए हमें। अरे दूल्हा है तू, तेरी अपनी बारात में पैसे लूटेगा? बेइज्जती करवा रही। आजा आजा आजा, अरे अरे आजा आजा, अपनी बारात में पैसा लूट रहा है, उड़ा उड़ा के लूट रहा है। अबे खुद की बारात में पैसे लूटने वाला है? पैसे लूटने वाला दूल्हा पहली बार देखा? अबे मेरे 1 रुपया रह गया। अबे भैया उधर रखो, सारा फंड चक को फिर लूटा है। छोड़ छोड़ के वो लूटने जा रहा है। सब क्या दे रहे हैं उसको? सो रहा है फिर उसके बाद 6 घंटे बाद अभी तक नाच ही रहे हैं। बस सालो 6 घंटे से पूरे नाक बने पड़े हो, तुम्हें ही बताऊं। अरे बस कर बहू लेना आए नागमणि। अरे रे रुक जा के नागमणि लेके जागा पूरी। चल बहू कहाँ है हमारी, शादी तो करवाओ। अरे अम्मी एक गिलास हल्दी का दूध ले जल्दी से। मेरी जान पलंग तोड़ूंगा आज तो। यहाँ तो पलंग है ही ना। अरे गद्दे ही फाड़ दूंगा। आज मैं तो वसीम निकला आदमी। मेरा ही तो प्लान है। अब्बा से पिटवाया मुझे बाल्टियों से। अबे सुन तो ले। अबे देख ना जी, मेरा इस शादी में उठा करोड़ों रुपया, तुझे पता ही है, लेकिन मैं सुहाग रात तो फिर भी मनाऊंगा। दोस्तों यार अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इसको यार इतना शेयर करो बेहिसाब। और अगर आप नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं करा, तो नीचे बटन है सब्सक्राइब पर, सब्सक्राइब करिए। और अगर पुराने हो और सब्सक्राइब किए हुए हो तो यार वो बेल आइकन को प्रेस कर दो। बेल आइकन दबा दो यार, कोई वीडियो मिस नहीं होगी। ठीक है, लाइक कमेंट भी करो, कमेंट में बताओ कैसी लगी। आ
दिस इज ओनली फॉर एंजॉयमेंट. अगर आपको एंजॉय के हिसाब से अच्छा लगा वीडियो तो आप शेयर कर सकते हो. मैं क्या बोलूँ यार, ऐसी चीज़ें मैं शेयर करने के लिए कैसे बोलूँ. ऐसे अजीब अजीब से चीज़ें दिखाते हैं लड़के के साथ. कॉमेडी था ये, एक्चुअली कॉमेडी का कुछ था. तो मतलब नॉर्मली ऐसे चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए जो कि उन्होंने दिखाई. और ज़्यादातर इसमें गंदी चीज़ें नहीं थी, तो मैं बोलूँगी बहुत अच्छी बात है. और अभी की वीडियोस में तो काफ़ी ज़्यादा गालियाँ, काफ़ी ज़्यादा बैड चीज़ें दिखाते हैं इस टाइप की, और बहुत ही ज़्यादा ऑड हो जाता है कभी कभी. मैं तो रिएक्शन देती हूँ, मैं सोचती हूँ क्या इसमें क्या रिएक्ट करूँ, तो इस टाइप का हो जाता है. लेकिन ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छा था, बहुत हद तक साफ़ सुथरा था और काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग भी था. और जहाँ तक बात है रिवेंज गॉन रॉन्ग का जो टाइटल दिया इन्होंने, मुझे ऐसा लगा इसमें रिवेंज क्या है. स्टार्टिंग जब हुआ तब मुझे उतना समझ नहीं आया कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था, लेकिन फिर जब लास्ट का जो 2 days ago वो दिखाया था उन्होंने, तो वो चीज़ तब लास्ट में जब एकदम से लास्ट में क्लियर हुआ तो वो चीज़ अच्छी थी. उन्होंने स्टोरी लाइन अच्छी पकड़ी और उन्होंने उसको मतलब मद्देनजर रखते हुए बनाया. मुझे लगा कुछ भी बना डाला है, ये क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कहाँ शादी करने जा रहे हैं और क्या हो रहा है, मजाक कर रहे हैं, तो क्या रॉन्ग क्या होगा उसमें, रिवेंज कैसे रॉन्ग हो गया. तो ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हुई. तो ये काफ़ी इनके पुराना एक वीडियो है. अभी तो इनकी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे वीडियोस बना रहे हैं. वीडियो काफ़ी अच्छी लगी मुझे. आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को. आई होप यू ऑल आर एंजॉयड दिस वीडियो. अगर एंजॉय किया है लेट मी नो बाय क्लिकिंग लाइक बटन. कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो. तो चलिए मैं इस वीडियो को अब यही एंड करूंगी. मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर योरसेल्फ्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय. और ये लड़की दो दो बाउंसर लेके घूमती है अपने साथ. वो भी कितने पतले पतले बाउंसर है.